बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार और संगठन की मजबूती के साथ साथ अधिक संख्या में लोगों को संगठन से जोड़ने का मूल मंत्र देने के लिए बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए जहानाबाद पहुंचे। इस दौरान मंत्री महोदय ने गोरक्षणी स्थित देवी मंदिर पहुंचकर देवी माता की पूजा की, मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया। नियमित प्रशिक्षण वर्ग के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री रामसूरत राय ने स्पष्ट किया कि जो भी सरकारी जमीन है उसे अगर किसी ने भी कब्जे में लिया है तो सरकार उस जमीन को कब्जा मुक्त कराएगी। उन्होंने कहा कि भले ही कितना बड़ा भूमाफिया या दमंग हो, अगर उसने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रखा है तो उस सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अब देखना होगा कि इस अतिक्रमण की समस्या से सरकार लोगों को और आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाती है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि लगातार भूमाफिया और दबंग सरकारी जमीन पर कब्जा करते आए हैं, ऐसे में उस जमीन को कब्जा मुक्त कैसे कराया जाता है। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। आज जहानाबाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण विभाग ने कार्यक्रम तय किया है कि प्रत्येक जिला में प्रशिक्षण वर्ग लगेगा। उसी प्रशिक्षण वर्ग के संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। अपने जिले के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आज प्रशिक्षण वर्ग है। उसमें प्रशिक्षित करने के लिए मुझे एक क्लास है, घंटी का अधिकार दिया गया है। उसी संदर्भ में मैं 4 से 5 हमारा एक वर्ग होगा और इस तरह से हमारे सभी 2 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है। और ये जितने भी जिले के कार्यशाला में प्रशिक्षित होंगे, ये लोग मंडल स्तर पर जाके कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने सरकार के बारे में जो हर विषय है उसको भी नए जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं, नए पार्टी में जो शामिल होते हैं, उन लोग को प्रशिक्षित करना और अपने पार्टी के बारे में बताना हम सबों का दायित्व बनता है। इसी संदर्भ में आज हम लोग जहानाबाद जिले में आज उपस्थित हुए हैं। इसके पहले सासाराम से ये औरंगाबाद से अरवल से आज जहानाबाद, और फिर अब कल हमारा ये नालंदा जिले के पावापुरी में कोई कार्यक्रम है, संगठन के काम से मैं आया है। बिल्कुल जितने भी बिहार के अंदर अतिक्रमण है वो निश्चित रूप से खाली होगा, जिसका मैं अभी अब चर्चा भी कर रहा था आपसे। और मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पदाधिकारियों की कमी थी वो नियुक्त हुए हैं और होने वाले हैं। अमीन है, रेवेन्यू अफसर है, सारे लोग जब आ जाएंगे जहाँ भी अतिक्रमण का मामला है मुस्तैदी से अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। सार्वजनिक जमीन, लोक की भूमि जहाँ भी है उसको बिल्कुल खाली करा करके सरकार के काम में लाया जाएगा। सरकार चाहे जितने भी बड़े भूमाफिया हो, क्रिमिनल हो, सरकार के जमीन को हड़पने का काम किया है, बेईमानी करने का काम किया है, उसको बुलडोजर से मकान को तोड़ा जाएगा। सरकार उस मकान को अपने अधीन में करेगी, अन्य काम में लगाने का प्रयास करेगी।